नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फ़ोन लैपटॉप को बुरी तरह से तोड़ दिया गया था ताकि उसमें से सबूत किसी को भी प्राप्त ही ना हो सके। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत बेशक से आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो भी सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि बस सुशांत सिंह राजपूत को कैसे ना कैसे करके इंसाफ मिल जाए, और हर कोई सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज भी इंसाफ की डिमांड करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन और लैपटॉप में कुछ बड़े सबूत दफन थे, और दावा किया जाता है कि उन सबूतों को न सिर्फ तोड़ दिया गया बल्कि सबूतों को छुपाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन को भी कुचल दिया गया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आप सभी जरूर देखेंगे कि सीबीआई की टीम आने वाले दिनों में इस केस को हर हाल में सुलझा कर रहेगी, क्योंकि हमारी जो सीबीआई की टीम है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, और जिन लोगों ने भी इस कांड को अंजाम दिया है कैसे भी करके सीबीआई की टीम कुछ भी करे लेकिन पता करके रहे कि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में क्या था जिससे कातिल पकड़े जा सकते थे। और तो और आपको बता दें, दावा किया जाता है कि सीबीआई की टीम अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों से भी बात कर रही है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की सारी जानकारियां प्राप्त की जा सके। बेशक से इस केस में लंबा समय हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस बंद हो चुका है। आज भी सीबीआई की टीम लगातार छानबीन करने में लगी हुई है सुशांत सिंह राजपूत केस में। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।